आज पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी मुहर्रम का शोक मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन के मानने वाले आज सड़कों पर जुलूस निकालकर उनका मातम कर रहे हैं। करीब 1400 साल पहले आज ही के दिन इराक के करबला में मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इमाम हुसैन की शहादत के शोक में आज के दिन दुनिया भर में शोक मनाया जाता है। इमाम हुसैन मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे, जो करबला की जंग में अपने 71 साथियों के साथ शहीद हुए। मुहर्रम क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब मोहम्मद साहब की मौत के बाद इस्लाम में खिलाफत का दौर आया, यानी खलीफा का राज था। खलीफा को पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता माना जाता था। पैगंबर मोहम्मद साहब के गुजर जाने के बाद लोग आपस में तय करते थे कि उनका खलीफा कौन होगा, मगर कुछ लोग तलवार के दम पर इस ओहदे को हासिल करना चाहते थे। उन्हीं में से एक था सीरियाई सुल्तान यजीद इब्ने माविया, जिसने खुद को मुसलमानों का खलीफा घोषित कर दिया और लोगों पर इस्लाम के नाम पर जुल्म ढाने लगा। और जब इमाम हुसैन ने इसका विरोध किया तो यजीद ने फरमान जारी करके पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे पर समर्थन और रजामंदी का दबाव बनाया और कहा, अगर हुसैन राजी न हुए तो उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। मगर इमाम हुसैन ने कहा, मैं एक पापी बेईमान और खुदा रसूल को ना मानने वाले यजीद इब्ने माविया का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद सऊदी अरब में अपने वतन मदीना को छोड़कर इमाम हुसैन हज के लिए मक्का चले गए, मगर यहां भी यजीद ने अपने सैनिकों को श्रद्धालु बनाकर उनका कत्ल करने के लिए भेज दिया। चूंकि मक्का में खून खराबा हराम है, लिहाजा जैसे इस बात का पता इमाम हुसैन को चला तो उन्होंने अपने परिवार और करीबियों के साथ मक्का छोड़ दिया, मगर यजीद की फौज ने उन्हें इराक के करबला में घेर लिया। सन 680 ईस्वी में उर्दू कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 2 तारीख को इमाम हुसैन करबला में थे और यहां उन्होंने यजीद और उनकी सेना को इस्लाम के सही मायने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ताकत और दौलत के नशे में इस कदर चूर था कि नहीं माना और उसने इमाम हुसैन को अल्टीमेटम दिया कि या तो वो यजीदी की खिलाफत का समर्थन करें या जंग करें। हुसैन जंग नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने नाना मोहम्मद साहब से ये सीख मिली थी कि इस्लाम जंग का नहीं मोहब्बत का नाम है। यजीद ने इमाम हुसैन पर दबाव बनाने के लिए उन पर नहर से पानी लेने की पाबंदी लगा दी, जिससे हुसैन के कुनबे में मौजूद छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े और औरतें प्यास से तड़प उठे। 3 दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया और उसी हालत में जबरन जंग करने के लिए मजबूर किया गया। तब इमाम हुसैन ने यजीद से खुदा की इबादत की एक रात मांगी, जिसे आशुरा की रात कहा जाता है, जिसके बाद मुहर्रम की 10 तारीख को करबला की जंग हुई। एक तरफ यजीद की करीब 1,00,000 की फौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के कुनबे में सिर्फ 72 ऐसे लोग थे जो जंग में शामिल हो सकते थे, बाकी या तो महिलाएं थीं, बच्चे थे या बीमार थे। इमाम हुसैन और उनके तमाम 71 साथियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल करके उनके सरों को जिस्म से अलग कर दिया गया। यजीद के 1,00,000 के लश्कर ने जिन 72 लोगों को मारा, उनमें 6 महीने के बच्चे अली असगर के साथ साथ कम उम्र के बच्चे और बूढ़े भी थे, जिसके बाद उनके खेमों को जला दिया गया। इमाम हुसैन ने खुशी खुशी अपने परिवार को इस्लाम की राह पर कुर्बान कर दिया ताकि दुनिया को यह संदेश जा सके कि इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं बल्कि अमन के संदेश की बदौलत है। मगर आज उसी इस्लाम को अबू बकर अल बगदादी, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन जैसे लोग और आतंकी संगठन बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन और उनके 71 साथी मरकर भी अमर हो गए, आज भी उनके अहिंसा के संदेश की मिसाल पूरी दुनिया देती है। मैंने इमाम हुसैन से सीखा कि मजलूम होते हुए भी किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है। इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती है, कुर्बानियां देकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जैसे कि इमाम हुसैन ने करबला में किया।
امام حسین کی قربانی تمام گروہوں اور سارے سماج کے لیے ہے، اور یہ قربانی انسانیت کی بھلائی کی ایک انمول مثال ہے۔ امام حسین کی قربانی کسی ایک ملک یا قوم تک سیمت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں میں بھائی چارے کا ایک اسیمت راج ہے۔ اگرچہ امام حسین نے صدیوں پہلے اپنی شہادت دی، لیکن ان کی پاک روح آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ہوئی زیادتیوں کے غم کو منانے کے لیے یوں تو ہر مذہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں، جن میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی شامل ہوتے ہیں۔ اس جلوس میں عاشورے کے دن کی یاد میں تعزیے اور علم نکالے جاتے ہیں۔ کربلا آج بھی حسین کے ماننے والوں کا سب سے بڑا تیرتھ ستھل ہے، جہاں محرم اور اربعین میں کروڑوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।